अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर हारना ही था तो जंग का ऐलान नहीं करती। अब मुझे मम्मी जी और कला दोनों से चार कदम आगे रहना होगा। क्या करने वाली है तू? हेलो सर जी, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। आंटी जी, आप इतने आराम से बैठ के यूं मैगजीन कैसे पढ़ सकती हैं? यहाँ पर दीदी को पागल करने की हमारी तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अब हम क्या करें? यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। कला, तुम ना बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हो। अच्छा याद करके बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो होलिका है ना। तो होलिका के दिन घर पे क्या बनता है? खाना। और क्या बनता है? अच्छा, अब समझ में आया। तो आप दीदी को भांग पिलाने का सोच रही हैं? ओफो, ये भांग पिलाने वाली चाल बहुत ओल्ड फैशन्ड है भाई। आज दान का भोग बनेगा और भोग के लिए दालचीनी कभी मना नहीं करेगी। और हम एक बार फिर से दान के भोग में ये दवाई मिलाएंगे, और इस बार इतने डोज में कि तेज दीदी की हालत देखकर उसे खुद ब खुद पागल खाने छोड़कर आएगा। पागलपन की किताब? ये क्या है? पीजी, इस किताब में ये लिखा हुआ है कि किसी को भी पागल बनाने के क्या क्या पैतरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये किताब ना मुझे अच्छी तरीके से पढ़नी होगी, ताकि मम्मी जी और कला जो भी चाले चल रहे हैं ना, उन सारी चालों से मैं बच सकूं। तुझे देख के मुझे एहसास होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई कह सकता है कि जो लड़की दो अक्षर नहीं पढ़ सकती थी, वो खुद से किताब पढ़ने की हिम्मत रखती है? सारी मेहनत बीजी टीचर जी के काबिल बनने के लिए तो की थी, और किसी भी हाल में मैं मम्मी जी और कला को मुझे तेज सर जी से अलग होने नहीं दूंगी। जीवती रहे पुत्र। मैंने शुरू से ही कहा था ना कि इस घर के लोग हमेशा से हमें बराबर समझते हैं। तभी तो तेरी मौत का कोई गम नहीं है ना इसको। पार्टियां करने की बात कर रहे हैं, होली मनाने की बात कर रहे हैं लोग। ऐसी बात नहीं है पुत्र, तू तो जानती ही है कि कला का क्या हाल है, और उधर दालचीनी का भी तनाव की वजह से सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप दोनों को खुश करने के लिए हम जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। हमने सोचा इसी बहाने आपका दिल बहल जाएगा। दिल बहलाने के लिए इस घर के लोग क्या मेरी विधवा बहू पे रंग लाल देंगे? तुझे इतना ही एतराज है तो होली मनाने का प्लान हम कैंसिल कर देते हैं। हाँ दर्जी, वैसे मेरा भी कोई खास मन नहीं है इस बार होली मनाने का। मिमी, मेरी तरफ देख, एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन। तुझे क्या लगता है कि अगर इस घर में कोई त्योहार मनाया जाएगा तो उसका ये मतलब है कि हम अपने दीपक को खोने का दर्द भूल जाएंगे? सिर्फ बातें करने से क्या होता है परजाई जी? दीपक के जाने का दुख सच में किसी को होता तो इस घर में होली मनाने की बात तक भी नहीं होती। तुझे पता है, ये बात सुनकर सबसे पहला ख्याल मेरे भी दिल में यही आया था। लेकिन मम्मी, तू कैसे भूल गई कि दीपक का फेवरेट त्योहार होली था? तुझे याद है, होली से एक रात पहले वो इतना एक्साइटेड होता था कि सोता नहीं था, और होली के दो हफ्ते बाद तक वो पिचकारी लेकर घर पर सबको भिगोता था। आज अगर हमारा बच्चा स्वर्ग से हमें देखेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसके परिवार वाले होली के दिन शोक मना रहे? पुत्र, क्या इस साल हम दीपक की याद में होली नहीं मना सकते? मम्मी जी, मुझे भी यही सही लगता है कि हमें दीपक को याद करके उसके लिए दुख मनाने की जगह उसकी याद में खुशियां मनानी चाहिए। अगर दीपक क्या होता तो वो भी तो यही चाहता ना। प्लीज मम्मी जी, दीपक के खाते मान जाइए।
मुझे माफ कर दे, मैं अपने गम में इतना डूब गई थी कि तेरे जज्बात मुझे नजर नहीं आ रहे थे। माफ कर दे। इस घर में हम होली जरूर मनाएंगे। मैं दीपक को याद करने का कोई मौका गवाना नहीं चाहती। होली मनाएंगे। जी, ये क्या लिखा है? अब संता संतुलन। जी, इस किताब में भी यही लिखा है कि किसी के भी दिमागी संतुलन बिगाड़ने का सबसे आसान तरीका ना ये केमिकल वाली दवाइयां हैं। इसका मतलब मम्मी जी भी मुझे वही दवाइयां खिलाने की कोशिश कर रही है। अफसोस होता है बीजी कि एक औरत जो एक माँ है वो अपने खुद के बेटे का घर तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकती है। पर बीजी, मैंने बिना ठान लिया है कि मैं इन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। इससे पहले कि ये दोनों कोई नई चालें चले मुझे पागल करने की, मैं इस होलिका दहन में उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। इस होलिका दहन के साथ बुराई का विनाश होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में जो भी हो रहा था ना दीपू, मैं तुझे कह नहीं पाया उसकी वजह से, बट आई रियली लव यू ब्रो। I miss you so much. Happy Holi, Happy Holi, Happy Holi. Tej bhai. Okay. Tej bhai. Deepak, मैंने कहा था तू कलर नहीं लगाएगा मुझे। भाई, रुक, आज आपकी सारी बात ना मानने की परमिशन है मेरे पास। अभी बताता हूँ तुझे, रुक। छोटे, ये ले मेरे नोट्स, ये पढ़ेगा एकदम पास हो जाएगा। Thank you so much, भाई। वरना मुझे तो लग रहा था मैं इस साल फेल ही हो जाऊंगा। तू और मैं कोई अलग है क्या? तू फेल तो मैं फेल, और तू पास तो मैं पास। I love you, भाई। कहाँ चला गया यार तू दीपू? मैंने तुझे कभी बताया नहीं, पर और तू मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। आज घर में इतना कुछ हो रहा है और तू ही मेरे साथ नहीं, एकदम से अकेला सा पड़ गया हूँ यार। बहुत मिस कर रहा हूं तुझे। दीपक के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो कभी उसे इनफ अप्रिशिएट किया ही नहीं। तुम्हें पता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करता रहता था सिर्फ मुझे हंसाने के लिए। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसके चले जाने के बाद मैं हंसना ही भूल जाऊंगी। हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देकर गया दीपक, कि हम अपने रिश्तों की कीमत को पहचाने। शायद इसीलिए कुछ रिश्तों की कीमत मुझे अब समझ में आ रही है। तेज तेज, तुम भी कोशिश करो। हो सकता है कुछ रिश्ते तुम्हारे सामने हैं जिन्हें तुम देख नहीं पा रहे। वर्ग से माँ कला की ये हरकतें देख रही होंगी तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।